गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब हमको एक्सरसाइज 4.3 में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को बोर्ड के द्वारा हटा दिया गया है। यहाँ जो है हमको देखना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या। इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और इसी से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें जो होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं विभिन्नकार या डिस्क्रिमिनेंट। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स, देन अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई टू ए एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए, ये दो भेद वैल्यू हो जाता है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब जो होता है भेद, दो रूट जो होता है उसमें एक प्लस होता है एक माइनस होता है। पहला क्वेश्चन है, दूसरा का पहला क्वेश्चन है फाइंड रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 यूजिंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हियर वी हैव गिवन इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 where a equal to 2, b equal to minus 7 and c equal to 3. Now we know t equal to b square minus 4ac. Putting value we get d equal to 25 greater than 0. Therefore, equation have two real and distinct roots. Therefore, d root under d equal to रूट अंडर 25 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब डी का वैल्यू प्लस माइनस 5 आ गया। अब निकालते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स, दो रूट मान लेते हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा बराबर होगा माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई टू ए, वैल्यू को पुट करते हैं तो अल्फा निकल जाता है 3 और बीटा होगा माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए, फिर इसका वैल्यू डाल देते हैं तो बीटा का वैल्यू आता है हाफ। इस प्रकार अल्फा और बीटा का वैल्यू 3 और हाफ आया। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो को दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, उसका दो रूट आया 3 और हाफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 का 2 है, फाइंड द रूट्स ऑफ 1 बाय x प्लस 4 माइनस 1 बाय x माइनस 7 इक्वल टू 11 बाय 30, वेयर x डज नॉट इक्वल टू माइनस 4 और 7। x का वैल्यू न 4 होगा न 7 होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं सिंप्लीफिकेशन मेथड से। 1 बाय x प्लस 4 माइनस 1 बाय x माइनस 7 इक्वल टू 11 बाय 30। ये x प्लस 4 और x माइनस 7 का एलसीएम लेते हैं तो जाता है x प्लस 4 इंटू x माइनस 7। अब फर्स्ट से भाग देंगे तो सेकंड बचेगा और उसको 1 से गुणा करेंगे तो जाएगा x माइनस 7 और सेकंड x माइनस 7 से भाग देंगे तो x प्लस 4 बचेगा तो माइनस x प्लस 4 हो जाएगा और इसको ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो जाएगा x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 बाय नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7 x प्लस 4 x माइनस 28 दैट इज इक्वल टू 11 बाय 30। अब इसको सबको सिंप्लीफाई, एक्स और प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 11 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 28 इक्वल टू 11 बाय 30। अब इस 11 को इस 11 को काट देते हैं हो जाता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 28 इक्वल टू 1 बाय 30। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0। अब ये माइनस 28 है और प्लस 30 है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ दिया हुआ है a a इक्वल टू 1 b इक्वल टू माइनस 3 c इक्वल टू 4, तो d निकाल लेंगे, d निकलेगा प्लस माइनस 1, d का वैल्यू निकल गया d इक्वल टू माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac से निकल गया रूट अंडर d इक्वल टू प्लस माइनस 1। नाउ अल्फा एंड लेट अल्फा एंड बीटा टू रूट्स, मान लिया थे कि अल्फा और बीटा दो रूट है तो अल्फा क्या हो जाएगा
माइनस डी प्लस रूट अंडर डी बाई टू ए, और इसको वैल्यू पुट करते हैं तो अल्फा का वैल्यू टू आ जाता है और बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए, इसका वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करते हैं तो जाता है वन, यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू टू और वन आया, इसका मतलब हो गया हेंस अल्फा अल्फा एंड बीटा हेंस टू रूट्स अल्फा एंड बीटा आर टू एंड वन, एक का वैल्यू टू आया एक का वैल्यू वन आया, यानी दो रूट आ गया। हमारा जो सर्च था कि एक्स का मान माइनस फोर और सेवन नहीं होगा वो सही निकला, एक्स का वैल्यू कितना निकला टू और वन। क्वेश्चन नंबर फोर को देखें, क्वेश्चन है द सम ऑफ रेसिप्रोकल, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन थ्री इयर्स एगो एंड फाइव इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब लेटर इन फ्यूचर एज वन बाय थ्री, फाइंड हिज प्रेजेंट एज, रहमान का प्रेजेंट एज जो भी है तीन वर्ष पहले और पांच वर्ष बाद के एज के रेसिप्रोकल का सम जो है वह वन बाय थ्री है, तो रहमान का प्रेजेंट एज क्या है मान लेते हैं। लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी एक्स, थ्री इयर्स एगो हिज एज वाज एक्स माइनस थ्री इयर्स, फाइव इयर्स लेटर हिज एज वाज एक्स प्लस फाइव इयर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज इक्वल टू वन बाय थ्री, दैट मीन्स 1 by x minus 3 plus 1 by x plus 4 equal to 1 by 3. On simplifying, we get x plus 5 plus x minus 3 by x minus 3 into x plus 4, 5 equal to 1 by 3. That is equal to x 2x plus 2 by x squared minus plus 2x minus 15 equal to 1 by 3. By cross multiplication we get by CM, यहाँ लिख देंगे by CM cross multiplication x square plus 2x minus 15 equal to 6x plus 6. On transposing we get x square plus 2x minus 15 minus 6x minus 6 equal to 0. That is equal to x square minus 4x minus 21. अब equation आ गया हमारा इस form में। अब यहाँ हम एक क्लियर कर दें कि यहां से हमको ये नहीं कहा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाइए या मिडिल स्प्लिट टर्म से बनाइए, तो हम जिस मेथड से इजी समझेंगे उस मेथड का यूज करेंगे। हम यहाँ इसको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से तोड़ देते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस 21 इक्वल टू 0, और एक्स कॉमन लेते हैं एक्स माइनस सेवन प्लस थ्री कॉमन लेते हैं एक्स माइनस सेवन, एक्स माइनस सेवन दोनों में तो एक्स प्लस थ्री हो गया। अब दोनों टर्म जो है अलग अलग जीरो हो गया, x माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इक्वल टू सेवन x इक्वल टू माइनस थ्री, बट एज ऑफ एनीबॉडी कैन नॉट बी नेगेटिव, किसी भी आदमी का उम्र नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए रहमान का उम्र सेवन वर्ष हो गया। अगर इस क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा, वो भी ट्राई करके देख लीजिएगा, क्योंकि तो यहाँ हमको a की जगह पर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है a बराबर दिया हुआ है 1, b बराबर है माइनस 4 और c बराबर है माइनस 21। इसे d निकाल लेंगे, d निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac और फिर x निकालेंगे x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a, इसका वैल्यू इतना ही आएगा 7 इयर्स ही आएगा, इसको भी ट्राई करके देख लीजिएगा, जहां प्रतिबंधित नहीं हो वहां कोई भी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं आंसर। चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसमें है बोर्ड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, कहता है इन ए क्लास टेस्ट द नंबर ऑफ सेफालिक मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश इज 30, किसी टेस्ट एग्जाम में सेफाली को मैथ और साइंस मिला करके 30 मार्क्स मिलता है,
अब कंडीशन है इफ सी गॉट 2 marks मोर इन मैथ एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर ऑब्टेन मार्क्स इज 210 देन व्हाट वेयर देयर ऑब्टेन मार्क्स उसके ऑब्टेन मार्क्स क्या थे इसको मान लेंगे लेट शेफाली मार्क्स इन मैथ बी एक्स शेफाली का मार्क्स मैथ में एक्स है तो इंग्लिश में हो जाएगा 30 - x क्योंकि दोनों मिला करके 30 marks मिलता है शर्त है इफ सी गॉट 2 marks मोर इन मैथ एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश देन देयर प्रोडक्ट इज 210 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2 इंटू 30 - x - 3 = 210 implies x plus 2 into 27 - x = 210 on multiplying we get 27x - x² + 54 - 2x = 210 on transposing we get -x² + 25x - 54 - 210 = 0 that is equal to x² - 25x - 156 अब इसको फिर हम वही करते हैं मिडिल स्प्रिंग टर्म से जोड़ देते हैं तो 25 को लिख देते हैं क्या 25 को लिखते हैं -13x - 12x और यहाँ कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट दो पार्ट में x हो जाता है x - 13 और लास्ट दो पार्ट में 12 कॉमन ले लेते हैं x - 13 दोनों तरफ है कॉमन ले लेंगे x - 12 हो गया अब ये दोनों फैक्टर अलग अलग जीरो के बराबर है तो x का वैल्यू कितना आया 13 और 12 अब कंडीशन है अगर शेफाली को मैथ में 13 आता है तो इंग्लिश में कितना आएगा तो इंग्लिश हो जाएगा 30 - x यानी 30 - 13 = 17 अगर मार्क्स शेफाली का मार्क्स मैथ में 12 आता है तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा 30 - x दैट इज इक्वल टू 30 - 12 = 18 यानी डुअल वैल्यू हो गया अगर शेफाली को मैथ में 12 आता है तो इंग्लिश में 18 आता है मैथ में 13 आता है तो इंग्लिश में 17 आता है दैट्स ऑल ये स्टूडेंट क्वेश्चन 6 को देखें क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meters मोर देन द शॉर्टर साइड कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका डायगोनल शॉर्टर साइड से 60 meters अधिक है और उसका लॉन्गर साइड जो है वह शॉर्टर साइड से 30 meters लॉन्ग है तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगुलर फील्ड इन व्हिच शॉर्टर साइड बी सी इक्वल टू एक्स मीटर एंड लॉन्गर साइड ए बी एल इक्वल टू एक्स प्लस 30 meters एंड लॉन्गेस्ट साइड डायगोनल इक्वल टू एक्स प्लस 60 meters ये अब डायगोनल मिला देने के बाद रेक्टेंगुलर फील्ड में ए बी सी क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल में अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो क्या है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बाय पी टी पी टी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम वी गेट डी डी इक्वल टू लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर इक्वल टू शॉर्टर साइड स्क्वायर प्लस लॉन्गर साइड स्क्वायर यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी चिल्ड्रन पाइथागोरस थ्योरम में है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर तो यहां जो है हम लोग ले लेते हैं हाइपोटेनस की जगह पर एक्स प्लस 60 का स्क्वायर है इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का स्क्वायर अब ए प्लस बी होल स्क्वायर में इसको तोड़ देते हैं तो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 वन ट्रांसपोजिंग वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x प्लस 900 माइनस 3600 इक्वल टू 0 On calculating, we get x squared minus 60x minus 2700 equal to 0.
अब इसको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म में तोड़ देंगे तो 60x को लिखेंगे 9 माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700। अब फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन ले लेते हैं और लास्ट टू टर्म में 30 कॉमन ले लेते हैं, ये दो फैक्टर हो जाता है x माइनस 90 इंटू x प्लस 30 इक्वल टू जीरो। दोनों फैक्टर अलग अलग जीरो हो जाएगा, x माइनस 90 इक्वल टू जीरो, x प्लस 30 इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इक्वल टू 90, x इक्वल टू माइनस 30, बट साइड ऑफ फिल कैन नॉट बी निगेटिव, देयरफॉर शॉर्ट साइड ऑफ फिल इक्वल टू x इक्वल टू b that is equal to 90 meter and longer side l equal to x plus 30 meter that is equal to 90 plus 30 equal to 120 meter. Hence length of fill equal to 120 meter and breadth of the fill equal to 90 meter. Dear student, question number 7 mein hai, the difference of a square of two number is 180. दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 180 है और शर्त है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स का द लार्जर नंबर। छोटा नंबर जो है उसका स्क्वायर जो है बड़े नंबर के स्क्वायर के 8 टाइम है, तो नंबर क्या होगा? तो मान लेते हैं लेट स्मॉलर नंबर बी x एंड लार्जर नंबर बी y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y square minus x square equal to 180 and x square equal to 8y. अब क्या करते हैं, if x square equal to 8y जो है इसको 1 में डाल देते हैं, 1 है तो ये हो जाएगा y square minus 8x square का पर हो जाएगा 8y minus 180 equal to 0। अब इसको middle splitting term से तोड़ देते हैं तो हो जाता है y square minus 18y प्लस 10 प्लस 10 वाई प्लस 10 वाई यहां प्लस है प्लस 10 वाई इक्वल टू 180। अब यहां कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा दूसरे में 10 कॉमन लेते हैं y माइनस 18, अब ये होगा y माइनस 18 इनटू y प्लस 10 इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर जो है अलग अलग 0 हो जाएगा, y माइनस 18 इक्वल टू 0 एंड y प्लस 10 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 18 एंड y इक्वल टू माइनस 10 रिजेक्टेड, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। अब x स्क्वायर इक्वल टू 8y है, y का वैल्यू डालेंगे 18 तो जाएगा 144 और 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 12 हो जाएगा, यानी दो वैल्यू हो, तीन वैल्यू हो गया, एक 18 हो गया प्लस माइनस 12 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं नंबर जो हो गया वह 18 और 12 होगा, 18 और माइनस 12 होगा। दूसरा क्वेश्चन है एक में कि कोई ट्रेन है जिसका स्पीड जो है यूजुअल स्पीड निकालना है, दिया हुआ है ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा देते हैं कहता है यू हैव बीन टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, उतना ही दूरी को तय करने के लिए एक घंटा कम लगता है, तो इसमें मान लेंगे हम लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, इंक्रीज स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर मीटर पर आवर और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू 360 किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360 बाय एक्स माइनस 360 बाय एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सिंपलीफाई कर लेते हैं तो
हो जाता है 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360 एक्स बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। अब ब्रैकेट तोड़ने पर हो जाता है 360 एक्स प्लस 1800 माइनस 360 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स बाय क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। अब ये 360 और ये 360 एक्स टू एक्स कैंसिल हो गया, 1800 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स। ट्रांसपोज करने के बाद पाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 1800 इक्वल टू 0। फिर मिडिल स्प्रिंग टर्म्स इसको तोड़ देते हैं, 5 एक्स को लिखेंगे प्लस 45 एक्स माइनस 40 एक्स माइनस 100 इक्वल टू 0। फर्स्ट दो टर्म में एक्स कॉमन ले लेंगे, लास्ट दो टर्म में माइनस 40 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा एक्स प्लस 45 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर अलग अलग 0 के बराबर हो जाएगा और उससे निकाल देंगे एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस 45 हो जाएगा और एक्स इक्वल टू 40 हो जाएगा। लेकिन किसी भी ट्रेन का स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 440 किलोमीटर बराबर। बट स्पीड ऑफ ट्रेन कैन नॉट बी निगेटिव, हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर होगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, बताया टू वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन दैट ऑफ अ स्मॉलर वन। मतलब बड़ा पाइप जो है 10 घंटा कम टाइम लेता है टैंक को भरने में स्मॉलर के तुलना में, तो दोनों का टाइम निकालना है कि अलग अलग कितने टाइम में अकेले भरेगा। तो मान लेते हैं यहां लेट द लार्जर पाइप या टेप कुछ लिख सकते हैं कैन फिल द टैंक इन एक्स आवर एंड अ स्मॉलर पाइप कैन फिल द टैंक इन वाई आवर। यानी लार्जर टैंक एक्स आवर में भरता है, स्मॉलर वाई आवर में भरता है, दोनों के एक घंटा का काम निकालेंगे, हो जाएगा 1/x और 1/y। अब क्वेश्चन के अनुसार है दोनों जो है भरता है 9 होल 3/8 आवर में, तो दोनों के एक घंटा का काम लेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/75/8। इसको तोड़ेंगे मिक्स फ्रैक्शन को तो हो जाएगा 75/8। अब इसमें हम लोग देखते हैं यह स्मॉलर टाइप जो है 10 आवर लेस लेता है तो y कितना हो जाएगा x, y इक्वल हो जाएगा x प्लस 10। अब इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं y की जगह पर x प्लस 10 डालते हैं, हो जाता है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 8/75। ये रेसिप्रोकल कर लेंगे तो उलट जाएगा, ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y की जगह पर डाल देंगे हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 8/75। अब इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, हो जाता है 2x प्लस 10 इंटू 75 इक्वल टू x 8 इंटू x स्क्वायर प्लस 10x। अब इसको तोड़ देंगे मिडिल स्प्रिंग टर्म में, नहीं अभी इसको तोड़ते हैं, हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस प्लस 80x माइनस 150x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, 8x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 750 इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लेते हैं तो जाता 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इक्वल टू 0, 2 को 0 से डिवाइड कर देंगे 0/2 करेंगे ये खत्म हो जाएगा, तो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 35 माइनस 375 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से तोड़ेंगे तो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 25x माइनस 375 इक्वल टू 0। फर्स्ट दो टर्म में 4x कॉमन ले लेते हैं तो जाता है x माइनस 15 और लास्ट दो टर्म में प्लस 25 कॉमन ले लेते हैं तो जाता है x माइनस 15। अब ये फैक्टर हो गया x माइनस 15 और 4x प्लस 25 इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर अलग अलग 0 हो जाएगा, अलग अलग 0 हो गया। अब इस x इक्वल टू 15 और x इक्वल टू माइनस 25/4 हुआ, लेकिन निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 15 आवर एंड y इक्वल टू x प्लस 10 इक्वल टू 25 आवर। हेंस
टूगेदर टेक कैन फिल द टैंक इन 15 आवर और स्मॉलर टेक कैन फिल 25 आवर, यानी अलग अलग दोनों जो है वो क्या करेगा, भरेगा 15 आवर में और 25 आवर में। लार्जर यहां कर देंगे, लार्जर टेप कैन फिल 15 आवर एंड स्मॉलर टेप कैन फिल इन 25 आवर्स। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बंगलोर। मैसूर और बंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है, जिसको दो ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन कवर करता है। तो एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम टाइम लगता है। एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड जो है पैसेंजर ट्रेन के स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो मान लेते हैं इसमें सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बी एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। अब यहां रहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132 किलोमीटर बाय एक्स माइनस 132 बाय एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1 किलोमीटर पावर। हम लोग इससे पहले जानते हैं कि टाइम जो होता है क्या आता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो पाते हैं 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132 एक्स बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग पाते हैं एक्स इक्वल टू जो है माइनस 44 और एक्स इक्वल टू 33 आता है। लेकिन किसी भी ट्रेन का स्पीड जो है माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए स्पीड ऑफ ट्रेन हो गया 33 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ पैसेंजर ट्रेन का स्पीड, और एक्सप्रेस का हो जाएगा 11 जोड़ देंगे तो 44 किलोमीटर पर आवर। अब लास्ट क्वेश्चन में देखिए, उसमें कहता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। दो स्क्वायर है, दो स्क्वायर का एरिया है, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर है उसका एरिया का सम जो है 468 है और पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है, तो दोनों का साइड निकालना है। मान लेते हैं कि साइड ऑफ टू स्क्वायर बी एक्स मीटर एंड वाई मीटर। अब बड़े स्क्वायर का साइड एक्स है और छोटे का वाई है, इसलिए लिख दिए यहां एक्स ग्रेटर देन वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के एरिया जो है उसका सम जो है सो 468 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 और पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है, इसलिए 4x माइनस 4y इक्वल टू 24, 4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस y इक्वल टू 24, x माइनस y हो जाएगा 24 बाय 4 यानी 6। अब इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा x माइनस 6। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू डाल देंगे, दिया हुआ है 1 में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468, अब y की जगह पर x माइनस 6 रखते हैं हो जाता है x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 468। इसको तोड़ देते हैं हो जाता है x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। अब ये निकलता है 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 432 इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से तोड़ देंगे तो माइनस 6x को लिखेंगे माइनस 18x प्लस 12x, फर्स्ट दो टर्म में x कॉमन ले लेंगे, लास्ट दो टर्म में 12 कॉमन ले लेंगे, तो दो फैक्टर आ जाएगा x माइनस 18 x प्लस 12 और दोनों अलग अलग 0 हो जाएगा, तो x बराबर 18 निकलेगा, y बराबर माइनस 12 निकलेगा। लेकिन किसी भी फील्ड का साइड माइनस नहीं हो सकता है, इसलिए एक्स 18 हुआ, वाई होगा एक्स माइनस 6 यानी 18 माइनस 6 12 मीटर हो जाएगा, यानी स्क्वायर का साइड हो गया 18 मीटर और 12 मीटर हो गया। अब ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, अब अगला हम लोग फिर देखेंगे।